ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा दसवीं विषय गणित। अब हमने पिछले वीडियो के अंदर जो बहुपद थे, बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और फिर शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध स्थापित करना सीखा था। और जब बहुपद में शून्यकों के योग व शून्यकों के गुणनफल दिए थे तब हम बहुपद कैसे ज्ञात करते थे, ये पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। अब प्रश्नावली 2.3 के अंदर है कि विभाजन एवं एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोगों को यानी बहुपद दिया गया है एक्स का 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3 और ये जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं कि भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल है वो किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर। तो यूक्लिड ने यही लिखा है जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स बराबर पी एक्स। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल भाज्य। अब देखिए इसको मैंने आर एक्स यहाँ प्लस में है उधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस में आ गया। अब भाग किसका देना है, जी एक्स का देना है तो जी एक्स का देना है। तो इस बहुपद के अंदर तो मैंने ये लिख दिया कि यहाँ से ये भाग में चला गया और ये जी एक्स और आर एक्स में भी जी एक्स। तो ये बहुपद लिख दिया ये जी एक्स का मान एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए अब भाग देना है पहले तो भाग देते हैं तो देखिए इसमें इसका भाग देना है तो ये हमारी संख्या हो गई भाज्य और ये हो गया भाजक। अब देखिए यहाँ देखना है यहाँ जो भाजक का अधिकतम घात वाला देखना है तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है एक्स ही घात हो। जो भाज्य संख्या है उसकी भी अधिकतम घात देखनी क्योंकि सामान्य हम गणित में भाग देते हैं तो वहाँ यानी पूरी संख्या समान आना जरूरी नहीं है, उसे ठीक कम वाली संख्या का यानी पहाड़ा बोल करके फिर भाग दे देते हैं, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। बीजीय व्यंजक के अंदर भाग देते हैं तो सबसे बड़ी घात इस भाज्य के अंदर सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स ही घात 3 वाला। तो हमारे को जो भाजक की सबसे बड़ी घात है और भाज्य की सबसे बड़ी घात के बराबर करना यानी उस पूरे पद के बराबर करना है, यहाँ तो एक ही है इसलिए तो यानी बड़ी घात वाला जो पद है यानी उसके बराबर करना। तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे एक्स की घात 3 यानी पद प्राप्त हो जाए, तो एक्स से गुणा करता हूं। अब गुणा करते हैं तो इस पूरी संख्या से गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए मैंने लिखा है वैसे एक्स और कोष्ठक एवं एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब कहने का अर्थ है ये पूरा पद गुणा हुआ, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया एक्स ही घात, यहाँ कोई निशान नहीं है प्लस का निशान है तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ, माइनस 2 को एक्स से गुणा किया तो माइनस के 2x। अब देखिए अब हमारे को सजातीय पद और विजातीय पद ये सब हमने 8वीं कक्षा में भी सीखा है, तो जिसकी जितनी घात बराबर है उसके नीचे ही लिखा जाएगा। एक्स ही घात 3 है तो एक्स ही घात 3 के नीचे। अब यहाँ क्या है एक्स है इसलिए एक्स वाला जो पद है यानी 5x यानी उसके नीचे ही लिखा जाएगा। अब हमारे को घटाना है इसलिए चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब धनात्मक है तो धनात्मक का क्या हो गया ऋणात्मक हो गया।
और यहां ऋणात्मक है तो यहां क्या हो गया धनात्मक है। अब देखो ये प्लस का एक्स की घात तीन और ये माइनस का एक्स की घात तीन, तो दोनों कट गए जीरो हो गया। अब देखिए अब ये माइनस तीन एक्स स्क्वायर ये जैसा है वैसा लिख दिया। अब देखो ये प्लस के पांच एक्स है और प्लस के दो एक्स है, तो प्लस के कितने हो गए सात एक्स हो गए। अब ये माइनस के तीन, अब हम इस स्टेप में आ गए तो इसके अंदर देखते हैं सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है। तो सबसे बड़ी घात वाला पद है वो माइनस तीन एक्स स्क्वायर है, तो हमारे को ये सबसे बड़ी घात वाला पद और यहाँ पर भी यानी बड़ी घात वाला यानी पद उसको देखना है कि इस पद को किससे मैं गुणा करूँ कि ये माइनस का तीन एक्स स्क्वायर आ जाए। हाँ बाद में आगे गुणा करेंगे तो कुछ भी आ सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो बड़ी घात वाला पद है वो बराबर लाना जरूरी है। तो देखिए यहाँ ये इसको माइनस तीन से गुणा करता हूँ, तो माइनस तीन को पूरे से गुणा करूँगा तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस दो से गुणा किया तो माइनस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तीन को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस का तीन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हुआ प्लस हुआ, तीन को दो से गुणा किया छः। अब हमें देखना है सजातीय पद, तो यहाँ ये माइनस के तीन एक्स स्क्वायर और ये अचर पद है इसलिए अचर पद के नीचे प्लस के छः। अब उसका घटाना है इसलिए चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ है माइनस का है तो यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया माइनस। अब देख लीजिए ये तो आपका जीरो हो ही गया, अब देखो ये प्लस के सात एक्स और ये माइनस के तीन और माइनस के छः आपस में जुड़ गए, तो माइनस तीन और माइनस छः कितने हो गए माइनस के नौ। अब देखिए अब हमारे को इससे इस जो आपका भाजक का अधिकतम जो घात वाला पद है उससे यह जो पद है उसके अंदर घात है वो छोटी आई चर की, इसलिए यहाँ आने के बाद ये शेष पद बच जाता है। तो इसके अंदर भागफल हमें कितना प्राप्त हो गया x माइनस तीन और शेष पद हमें कितना प्राप्त हो गया सात एक्स माइनस नौ, तो x माइनस तीन हो गया ये माइनस सात एक्स माइनस नौ तो शेष पद और इसका जी एक्स का भाग दे सकते हैं उसमें, तो इसलिए ये भाग देने की प्रक्रिया हमारे है। देखिए पहले सवाल के शेष सवाल आपको करने हैं, अब दूसरा सवाल है कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अब हम लोगों का सवाल है वो पहले जैसे ही तरीका है जैसा पहला सवाल समझा था वैसे ही है, अब इसमें दूसरे का दूसरा मैंने बता दिया क्योंकि पहले वाला जो आपका भाजक है वो दो पदी है और यहाँ तीन पद है इसलिए मैंने ये ले लिया वो आप कर लें। अब देखो अब प्रथम बहुपद यह है और द्वितीय बहुपद यह, इसके अंदर भाग देना। अब भाग देने की प्रक्रिया तो वही रहनी है जैसे पिछले में बताई थी, परंतु देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर भाजक के अंदर सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है एक्स स्क्वायर और इस भाज्य के अंदर सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है तीन एक्स की घात चार। हमारे को दो तरफ ही दृष्टि चाहिए, हमारी ज्यादा दृष्टि घुमाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, कि हमारी दृष्टि यहां चाहिए इसका उच्चतम घात वाला पद और यहां पर भी उच्चतम घात वाला पद। देखिए अब देखिए यहां है एक्स स्क्वायर यहां है तीन एक्स की घात चार, तो बीजीय व्यंजक के अंदर मैंने पहले भी बताया कि इस पद के बराबर आने चाहिए पूरे, ठीक है। सामान्य भाग में ऐसा नहीं होता है,
परंतु इसके अंदर तय है इस पद के बराबर। तो देखो एक्स स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूं कि 3x^4 प्राप्त हो जाए। हाँ शेष पद अपने आप प्राप्त होंगे, वो आपको चिंता नहीं करनी है, यानी कितना प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा वो अपना जैसा प्राप्त होता है वो लिखना। तो देखो तीन तो यहाँ है वो, यहाँ 3x^2 से मैं गुणा करता इस पूरे पद, तो मैंने यहाँ गुणा करके लिखा है 3x^2 प्लस 3x+1। तो देखिए 3x^2 × x^2, क्योंकि गुणे के अंदर घाते जुड़ती है इसलिए 3x^4। यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस का निशान है, तो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं प्लस ही होता है। तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और x^2 को x से गुणा किया तो x^3, तो 9x^3। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, 3x^2 को है वो गुणा किया 1 से तो 3x^2। अब हमारे को ये जो प्राप्त हुआ है ये जैसी घात है उसके नीचे ही लिखना है। तो 3x^4 प्लस 9x^3 प्लस 3x^2। अब घटाना है इसलिए चिन्ह परिवर्तन हो गया, यहाँ प्लस का है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस का है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस का है तो माइनस। तो सबसे बड़ी घात वाला पद तो शून्य हो ही जाएगा। शेष देखिए ये प्लस के 5x^3 है और ये माइनस के 9x^3, तो किस चिन्ह के कितनी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस के 4x^3 है वो 5 से ज़्यादा है। अब देखो ये भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, जोड़ करनी है तो माइनस का 7x^2 और माइनस का 3x^2, तो माइनस के 10x^2 हो गए, और ये प्लस का 2x है ही और ये प्लस का 2 ले। अब देखो इस पद के अंदर सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, -4x^3। अब इससे जो भाजक है उससे बड़ी घात वाले पद को किस संख्या से गुणा करें कि माइनस के 4x^3 आ जाए, तो माइनस है वो 4x से गुणा करता हूँ और फिर पूरे पद को गुणा करना है। तो यहाँ गुणा करके मैंने बताया है, तो माइनस 4x को x^2 से गुणा किया -4x^3 और प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो गए और 4 × 3 = 12x^2, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो गए 4x। अब जैसा यानी पद की घाते हैं उसके नीचे लिखना है, तो -4x^3 -12x^2 -4x, यहाँ से मैंने लिखा है। अब देखो इसके चिन्ह घटाना है इसलिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का। अब ये तो 0 हो ही गया, ये माइनस के 10x^2 है और प्लस के 12x^2 है, तो किस चिन्ह का कितना है वो बचता है वो लिखना है, तो प्लस का 2x^2 बचता है। अब प्लस का 2x और प्लस का 4x जुड़ते हैं तो प्लस के 6x। अब ये प्लस का 2 लिख, अब देखो यहाँ पर ये घात और ये घात बराबर है तब तो भाग देना ही है, तो x^2 को किससे गुणा करूँ कि 2x^2 आ जाए, तो बाकी वाले अपना आएंगे ठीक, जितने आएंगे उतना हमें चिंता नहीं करनी, तो 2 से गुणा करता हूँ, तो ये देखो 2x^2 ये प्लस और प्लस है तो प्लस रह गया, और 3 × 6x और प्लस को प्लस से गुणा प्लस और 2 को 1 से गुणा किया 2, तो यहाँ लिख दिया 2x^2 प्लस 6x प्लस 2, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर। अब देखो सब है वो, ये पद भी बराबर, ये पद भी बराबर है यानी ऊपर और नीचे, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो यदि शेष पर शून्य प्राप्त हुआ तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ये गुणनखंड है, और यदि यहाँ शेष पर शून्य प्राप्त नहीं होता तो ये गुणनखंड नहीं होता। तो जिसका शेष फल शून्य आएगा वो बहुपद का गुणनखंड है, और जिसका शेष फल शून्य है वो नहीं आएगा वो बहुपद का गुणनखंड नहीं है।